underarms caring today. So do watch how I care my underarms in summer season. Welcome. Hello and welcome back to the channel guys. It's beautiful day, लेकिन बहुत गर्मी है. समर सीजन इस बार बहुत टेरेबल है. सो बोलते हैं ना, सब पानी पी पी के भूख भी नहीं लगती. सोच आज मैं नाइटी में हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है. सोचा साड़ी अवॉइड कर लूँ. और ये देखिए नींबू, ये नींबू मैंने लिया है अंडर आर्म्स के लिए. अंडर आर्म्स स्वेट हो जाते हैं बहुत गर्मी में. मेरे तो होते हैं, स्पेशली गर्मी में ज़्यादा होते हैं, ऐसे तो नहीं होते. सो आई डू वन थिंग, आई अप्लाई लेमन. ये मेरे अंडर आर्म्स है. मैंने क्लीन लास्ट बार सिर्फ 2 हफ्ते पहले किए थे, बाद में मैंने क्लीन ही नहीं किए. मुझे पता था कि गर्मी से ना अंडर आर्म्स को पसीना है ना वाला आ जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लूँ. ये नींबू का रस, ऐसे ऐसे थोड़ा सिर्फ नींबू का रस लगाएंगे ना तो डार्क स्पॉट चले जाते हैं. तो फिलहाल तो अंडर आर्म्स स्वेट ही नहीं है, थोड़े बहुत है. हाँ थोड़े बहुत है मैम. तो ये मैंने लगा लिया. मैंने पहले शेविंग की थी तो नींबू अच्छा होता है एक्चुअली डार्क स्पॉट्स के लिए. इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग एनी दिस थिंग नो, इट्स नेचुरल. आधा घंटे के लिए नींबू रखिए अप्लाई करके. नींबू का रस, नींबू यानी नींबू का रस. स्वेट फ्री, स्मेल फ्री. स्मेली भी होते हैं तो जिसको जिसको स्मेली होते हैं, मेरे भी स्मेली होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है. डार्क स्पॉट भी चले जाता है. तो ये है नींबू का फ्रेश फ्रेश जूस. और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बदबू हटाता ही है. तो नींबू का रस मैंने अप्लाई किया है अंडर आर्म्स पे. मैं दिखा रहा हूँ कैसे दिखा रही हूँ. सो इस तरह से मैं अंडर आर्म्स का केयर करती हूँ इन समर सीजन, स्पेशली नींबू लगा के, क्योंकि अच्छा होता है नींबू. मुझे तो यही अच्छा लगता है, मैं यही यूज़ करती हूँ. और जैसे आप देख रहे हो ना, अंडर आर्म्स डार्क स्पॉट्स भी थोड़े कम है. सो गाइस इसको मैं 10 मिनट तक रखूँगी, बाद में इसको वॉश करूँगी. हो गया अंडर आर्म्स केयर. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके बाय. Yeah, smell free.